दिशा रवि एक यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट को पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है, किस मामले में? फार्मर्स प्रोटेस्ट से लिंक्ड टूल किट वाले मामले में। टूल किट होती क्या है और पूरा मामला क्या है, दिशा रवि के अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस हैं? मेरा नाम है अरुण सिंह, इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं ये जानकर कि मामला क्या है। 14 फरवरी को बेंगलुरु बेस्ड दिशा रवि को अरेस्ट किया जाता है इस टूल किट वाले मामले में। दिशा रवि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और इंडिया में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर को रन करती हैं। शी इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर क्या है? ये एक ग्लोबल क्लाइमेट मूवमेंट है जो ग्रेटा थनबर्ग ने शुरू किया, जहां पर स्टूडेंट्स फ्राइडेज को अपना स्कूल स्किप करते हैं और मांग करते हैं अथॉरिटीज से एक क्लीनर एनवायरमेंट के लिए। 3 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग एक ट्वीट करती हैं जिसमें टूल किट भी साथ में जुड़ी होती है। फिर वो ट्वीट डिलीट कर देती हैं और कहती हैं कि क्योंकि वो अपडेटेड नहीं थी, तो 4 फरवरी को यानी अगले दिन वो एक और ट्वीट करती हैं जिसमें अपडेटेड टूल किट होती है और इसमें 13 और 14 फरवरी को होने वाले प्रोटेस्ट्स की बात होती है। इसी दिन यानी 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस टुक द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर एंड फाइल्ड एन FIR अगेंस्ट द क्रिएटर्स ऑफ द टूल किट। आपको याद होगा कि पहले यह खबर थी कि ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एक FIR है, बट देन दिल्ली पुलिस क्लैरिफाइड कि जिन्होंने क्रिएट की है टूल किट उनके खिलाफ ये FIR है। FIR में किसी का नाम नहीं था, लेकिन पुलिस का कहना था कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पुलिस के हिसाब से प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसे क्रिएट किया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार टूल किट होती क्या है। टूल किट नाम से ऐसा लगता है कि एक ऐसी किट जिसमें फिजिकल टूल्स हों, लेकिन टूल किट एक डॉक्यूमेंट होता है और इसमें किसी भी एक कॉज या इशू से रिलेटेड सारी जानकारी होती है। इसका पर्पस क्या है? तो मान लीजिए मैं कहीं किसी और कंट्री में बैठा हूं, लेकिन मैं एक कॉज को लेकर कंसर्न्ड हूं और मुझे लग रहा है कि मुझे इस कॉज के साथ जुड़ना है, लेकिन मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी लेने के लिए मैं इस टूल किट को पढ़ूंगा या यूज करूंगा। तो जैसे आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो टूल किट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की टूल किट है फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन इंडिया। बैकग्राउंड मॉड्यूल उन लोगों के लिए है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं है, उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। एंड देन देयर आर टू मोर मॉड्यूल्स विद डिफरेंट पर्पसेस। And now I have with me my colleague Meher Pandey, who's been reporting on this issue. Meher, I have 3 quick questions for you. Number 1, what are the charges against Disha? So there are 3 charges against Disha. There is she's charged under 120B, which is criminal conspiracy. Then 153A, which is promoting enmity between groups. Then 124A, which is sedition. When she appeared for the first time in the court, what did she really say? So she basically said that she was doing was supporting the farmers. She only edited 2 lines of the Google Doc on the 3rd of February and nothing else. All she wanted to do was support the movement. Also, there is a entire conversation about she not having a legal counsel there. What are your thoughts? So I've been in touch with Abhinav Sekri, her lawyer in Delhi. He said that he wasn't informed of where the hearing was going to be. He didn't know where to come and at what time. So that is an interesting thing because media was aware of where this hearing was going to be. So I'm unsure how this information was withheld from him. But there was some legal representation, some sort of legal representation. The court provided a legal aid whose name is on the Wakalatnama, which is a document that someone signs to say that this person is representing me in this case. So his name is on that and it's also on the order. But he did not speak for her in court. The court proceeding lasted 15 minutes and she spoke for herself. So there was basically no legal representation in this case, only nominal. उधर दिशा रवि के बारे में और जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा, she is the editor of the toolkit Google Doc and key conspirator in documents formulation and dissemination. आगे उन्होंने कहा, they all collaborated with pro Khalistani Poetic Justice Foundation to spread disaffection against the Indian state. She was the one who shared the toolkit doc with Greta Thunberg. As per Delhi police, she asked Greta to remove the main doc after its incriminating details accidentally got into public domain. यहां she, यानी दिशा रवि. That's all I had for this video. मेरा नाम है अरुण सिंह. It's a goodbye from my side.